तो आपका ये रेडियंस कॉन्सेंट्रेट लगेगा. ओके ठीक है. ये एम्प्योरल, ये कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि बहुत पावरफुल चीज है बेटा. ये ऐसे ही जैसे एंटीबायोटिक खानी, आप 7 दिन खाते हो, कितना बड़े से बड़ा कोई भी इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक जो सिरप होता है, मेडिसिन, एंटीबायोटिक एक दवाई है. जी अल्लाह ना करे बुखार बहुत तेज हो जाए, 104 को इन्फेक्शन हो गया कहीं भी जिस्म का, तो वो दी जाती है, डॉक्टर देता है कि ये अब आप 7 दिन खाएंगे तो 7 दिन के बाद बंदा भला चंगा हो जाता है, और नहीं तो मौत के मुंह के करीब होता है. ये भी वही चीजें हैं कि ये इतनी पावरफुल एंड ताकतवर चीज होती है, इसको कॉन्सेंट्रेट कहते हैं, मतलब ये अर्क निकला हुआ होता है. अब एक कीनू खाएंगे आप तो इतना सा उसमें जूस है ना, और जब आप 5 कीनू को करेंगे तो गिलास भर के बनता है जूस, तो ये वो है उसका अर्क निकला हुआ. इसको आप ये ऐसे प्लास्टिक की बोतल, आप इसका ये ऐसे तोड़ लेंगे ऊपर से, आप जोर से करेंगे, ये देखिए ये निकल आया. ठीक है बेटा. अच्छा अब आप इसको बड़े ख्याल से अपने हाथ में लगा लेंगे, थोड़ा सा तो है पानी. ठीक है, ये पूरा ऐसे कपड़ा बना लें या आप कोई बोल रख लें गिर ना जाए. और अब आपने ये इसको बेटा अपनी आंखें बंद कर लो, अब आप इसको ये पूरा कॉन्सेंट्रेट को लगाएंगे शक्ल पर. ठीक है बेटा, अपने क्लाइंट को आंखें बंद करने का कहा और अब आपने इसको जज्ब कर लिया. अच्छा ये मास्क के बाद भी लग सकता है और मास्क से पहले भी लग, दोनों वक्त में लग सकता है. अगर तो आप सिर्फ रेडियंस कर रहे हो ना फेशियल, तो फिर मैं कहूँगी मास्क के बाद लगा लो, लेकिन क्योंकि हम डबल कर रहे हैं ना तो मैंने इसको पहले लगा लिया है. ठीक है, दोनों तरह से लगाया जा सकता है, मास्क से पहले भी और मास्क के बाद भी. और आपने जल्दी जल्दी इसको सारा आपने एब्जॉर्ब कर लिया, एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, इसका काम किया. अच्छा अब हमने इसके ऊपर लगा देना है रेडियंस मास्क. ठीक है बेटा, ये रेडियंस मास्क लगेगा. अच्छा मास्क हमेशा उतना लगाया जाता है अनलेस कि जितना हमारी स्किन को ऊपर से ज़रूरत है. देखिए ब्रश थे पकड़ाना मुझे, ये जो बीकर है ना बेटे पकड़ के, इसमें 105 ml पानी ले आओ, मुझे देना, मैं किसी बच्ची को कहूँ बेटा इसमें 105 ml देख लो, जो बालों का काम करती है ना वो यहाँ देख लेगी 105 ml कहाँ लिखा हुआ है. बेटा आप आके बंद कर दें. अच्छा अब आपने ये अच्छी तरह से और आपने ये मास्क को वही आंखें छोड़ देनी है, बाकी सब जगह पे आपने नेक ऑनवर्ड्स सब जगह पे कूलिंग इफेक्ट दे रहा होगा ये. हाँ ये बिल्कुल देता है कूलिंग इफेक्ट, ये आपने अच्छी तरह, आप चाहें तो हाथ से उंगली से भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं उंगली से ही लगाती हूँ जी, इसलिए कि ये बड़ा पी जाता है ना, फिर वो ब्रश बड़ा खा जाता है. ठीक है बेटा अब ये आपने अच्छी तरह मास्क लगा दिया. अच्छा आगे पानी 105 ml तो नहीं.